मैं रंजना माथुर अजमेर राजस्थान से आप सभी उपस्थित जनों को सादर नमन करती हूँ। जय मां शारदे। सबसे पहले मैं जन सरोकार मंच टोंक के मुख्य संचालक आदरणीय श्री देवेंद्र जोशी सर और आदरणीय श्री अशोक सक्सेना सर जी को हार्दिक आभार देती हूँ कि आज उन्होंने पत्र वाचन है तो मुझे यहाँ पुनः इस सम्मानित समृद्ध मंच के ऊपर आमंत्रित किया और मुझे यह अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही साथ मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आदरणीय सर डॉक्टर सूरज सिंह नेगी सर की और आदरणीय मैम डॉक्टर मीना सिरोला जी की कि जिन्होंने पाती लेखन की इस अनूठी और अप्रतिम मुहिम को छेड़ा और इसकी अलग जगह कर हम जन जन में जो दबी हुई पत्र लेखन की जो इच्छा और तमन्ना थी जिसे आजकल मीडिया ने लगभग समाप्त ही कर दिया है, उसकी महत्ता को और उसकी इच्छा को पुनर्जीवित किया। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर नेगी सर की और मीना जी की। मैं इस पावन मुहिम का हिस्सा हूँ, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। तो सर आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और आपके जज्बे को कोटि कोटि नमन करती हूँ मैं कि पाती लेखन अभियान के द्वारा आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनः पत्र लेखन को जीवित किया और उसको एक उसका पुनरुद्धार किया और उसको दोबारा जागृत किया। धन्यवाद सर। जब मुझे ये पाती लेखन की मुहिम के बारे में पता चला तब तक दो पाती लेखन की प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी। पाती पिता की पाती पुत्री के नाम और माँ की पाती बेटी के नाम ये दोनों हो चुके थे और इसमें मैं भाग नहीं ले पाई, ये मेरा दुर्भाग्य था। फिर भी मैंने तीन पाती लेखन में भाग लिया है जिनमें से दो के मैं यहाँ पत्र वाचन करूँगी आप लोगों के सामने। एक तो है बेटी की पाती माँ के नाम और सहेली के लिए पाती, वो आपको मैं पढ़कर सुनाऊंगी। और वो दिन भी याद आते हैं जब हम पत्र भेजते थे और पत्र की प्रतीक्षा में डाकिये के इंतज़ार में सुबह शाम कर देते थे और हम अपनों से पत्रों के माध्यम से ऐसे मिलते थे जैसे सजीव उनसे ही उनके दर्शन कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो वो समय भी याद आता है, जज्बातों को अल्पाज देती हुई एक कागज के टुकड़े में सिमटी चिट्ठियाँ और वो चिट्ठियों की लिखने की कला अब मानो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जिस प्रकार पूंजिया का बक्स खोलते हैं उसी प्रकार पूंजी का बक्स खोलते ही उसमें धनदौलत दिखती है, उसी प्रकार कोई पत्र खोलते ही उसमें हमारे परिजनों के हृदय पटल की सारी भावनाएँ सामने दृश्य दिखती हैं और हम गदगद हो जाते हैं जैसे उनसे साक्षात मिल रहे हैं। तो पत्र लेखन जो होता था दो व्यक्तियों के बीच में होता था और दो हृदयों को आपस में संबद्ध करता था और आत्मीयता को बढ़ाता था। यह हमारे लिए दोनों के लिए एक सेतु के समान होता था। बहुत महत्व था हमारी ज़िंदगी में पत्रों का और आज उन चीज़ों को याद करते हैं। आज ये मीडिया के जो माध्यम है त्वरित संदेश वाले, उनमें वह बात कहाँ जो पत्रों में होती थी। हम पत्र भेजते और उसके उत्तर का इंतज़ार करते, जब डाकिया आता तो हमें अपने पत्र का इंतज़ार होता था। यदि वो बाहर आगे निकल जाता तो हमें बड़ा अफसोस होता था और यदि वो हमें पत्र देता था तो कई बार हम उनको खुशी में उनको कुछ भेंट उपहार देते थे कि आपने हमारे मन की मुराद पूरी करी। तो ऐसे इंतज़ार हुआ करता था पत्रों का। ब्रिटेन में एक सर्वे हुआ, वहाँ पता लगाया गया कि पत्र लेखन कितने लोग जानते हैं, हमारे स्कूली बच्चे कितने जानते हैं। तो वहाँ ये पता चला कि 75% बच्चे पत्र लिखना नहीं जानते थे, पत्र क्या है वो ये ही नहीं समझते थे। वहाँ की एक शिक्षा विशेषज्ञ हैं सू पामर के नाम से, उनका कहना है कि जब आप खुद कलम से कुछ लिखते हैं तो इसके जरिए लिखने वाला या हम ये दर्शाते हैं कि हम उस रिश्ते को कितना मान रहे हैं, उसको वक्त दे रहे हैं और वो हमारे लिए कितना अजीज है। तभी तो हम पुराने पत्रों को संभाल कर रखते हैं।
आजकल तो पत्र लेखन को भी एक साहित्य का एक हिस्सा मान लिया गया है, पत्र लेखन कलात्मक करा जा रहा है, उसको साहित्य को साहित्य का रूप दिया जा रहा है कि उसको पत्र के रूप में नहीं, एक साहित्य के कलात्मक और सजे धजे रूप में काम में लिया जाता है, जो कि मैं मानती हूँ कि वो तो एक आडंबर वाली चीज़ है। आप पत्र को पत्र की तरह से देखिए, पत्र में जो भाव होते हैं इंसान के और जो शब्द होते हैं वो बिल्कुल हृदय से निकले हुए होते हैं और बिल्कुल स्वाभाविक होते हैं, उसमें बनावट की कहीं झलक नहीं होती है। उसमें अपनी भावनाएं होती हैं, सामने वाले के व्यक्तित्व, उसके दृष्टिकोण, उसकी मानसिक स्थिति और आपको वो कितना पसंद करता है, आप उसकी ज़िंदगी में कितना अहमियत रखते हैं, यह उसके पत्रों से झलकता है। तो हम तो बहुत तरसते हैं इस चीज़ के लिए, और मैंने सर के अभियान के बाद भी अपने बच्चों को भी पत्रों की तरफ ध्यान देना सिखाया, और बिटिया को भी पत्र भेजे मैंने, उससे कहा कि कभी कभी मुझे पत्र लिखा कर, और पत्र लिखने के बाद उसके रिप्लाई, उसके उत्तर का जो इंतज़ार होता है उसको तुम महसूस करना, उसमें कितना कितनी उत्सुकता होती है और उस ललक होती है कि मेरी माँ ने मुझे क्या लिखा होगा, मैंने वो बात पूछी थी उसका रिप्लाई मम्मी ने कैसे दिया होगा, ये सब बातें एक जो अपने अंदर खुशी पैदा करती हैं वो इन बच्चों को महसूस नहीं हो पाई है। मुझे याद आते हैं मेरी मायके की बातें, जब मेरी शादी हुई थी, मेरे पापा ने पापा जब मुझे पत्र भेजा करते थे तो वो पत्र उनके स्नेह से इतना भीगा हुआ होता था कि पढ़ते पढ़ते मेरे आंसू उस पत्र को और नम कर देते थे। मेरे पापा की पत्र लिखने की कला थी उनमें, एक तरह से इतनी सुंदर हस्तलिपि थी उनकी, और मैंने आज कुछ खोजा भी उस पत्र को कि अगर हो तो वो मैं आपको दिखाऊं। मैंने कई पत्र अपने सासू जी के और अपने पापा मम्मी के संभाल के रखे हुए हैं। चिट्ठी लिखने का मुझे भी काफ़ी शौक था और इस मामले में अपने पिता पर ही गई हूँ। पहले आप लोगों ने भी देखा होगा शायद, अपने समय में हर घर में पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और जो आसमानी कलर के होते थे, और जो ज़्यादा लिखना चाहते थे, जिनकी असीमित लेखन शैली थी, जिसमें कोई सीमा ही नहीं थी, सारे भावों को उतार कर रख देते थे, वो अपने पत्र लिफाफे में डालते थे हमेशा, और उसमें भी कहीं जगह नहीं बाकी रहती थी कि मतलब आड़ा तिरछा जो भी जगह बचती थी सभी जगह लिखकर वो कंप्लीट भर के भेजते थे। वो भी पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था हमें। हम जब छोटे थे तो अपने कजिन्स को, चाचा जी के बच्चों को, बुआ के, मामा के बच्चों को हम खूब पत्र लिखते थे, और हर दो तीन दिन में उनका जवाब आता था, हमें बड़ा अच्छा लगता था। हम कहते अगर पोस्ट में सीधा निकल जाएगा तो मतलब एक हमारे लिए बड़ी तौहीन की बात होती कि आज हमारे भाई बहन का पत्र नहीं आया। और अक्सर आपको सुन के हंसी हंसी आएगी कि पत्र के अंत में एक मजमून हम लोग अपनी बहनों के लिए लिखा करते थे। पत्र खत्म किया, पत्र की प्रतीक्षा में तेरी बहन, फिर लिखते शीशी भरी गुलाब की पत्थर से फोड़ दूँ, शीशी भरी गुलाब की पत्थर से फोड़ दूँ, तुझसी बहन न छोड़ूँ दुनिया में छोड़ दूँ, या फिर लिखते थे न जाने कब मिलेगी रहती है तू बहुत दूर, न जाने कब मिलेगी रहती है तू बहुत दूर, प्यारी बहन की चिट्ठी है जवाब देना जरूर। पत्रों का महत्व तो पहले भी था और अभी भी हमारी ज़िंदगी में तो है, और हम यही कोशिश करेंगे सर से प्रेरणा लेते हुए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसका महत्व समझाएं और इसको लिखना सिखाएं और उनकी अभिरुचि जागृत करें इस चीज़ के प्रति। अब मैं आपके सामने वह पत्र प्रस्तुत करूंगी, पढ़कर सुनाऊंगी आपको, जो कि मैंने पाती लेखन के प्रतियोगिता में भेजा था। बेटी की पाती माता के नाम, स्थान दिनांक 13/12/2019। मेरी पूजनीया प्यारी माँ, सादर नमन। माँ, बहुत याद आती हैं आप। आपको कैसे बताऊँ, आज भी कभी किसी परेशानी को सुलझा नहीं पाती तो मन बोल उठता है, मम्मी से पूछो,
दूसरे ही पल आपके न होने की पीड़ा से तिलमिला जाती हूँ माँ। आप माँ थी, गुरु थी, भगवान थी, आप मेरी सब कुछ थी। आपका अभाव मेरे जीवन को जो रिक्तता दे गया है उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता माँ। 6 दिसंबर सन 2007 का वह अभागा दिन मेरे जीवन का सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जिस दिन मैंने आपको गंवाया। इस दिन दोपहर 2 बजे आप हमें अकेला छोड़कर देवलोक गमन कर गई। माँ, मैं तो आपका ही अंश हूँ, मेरे तन का रोम रोम आपसे सृजित है। आपको भूलना मेरे लिए स्वयं को विस्मृत करने के समान है माँ। जीवन पथ के प्रत्येक पग पर आप मेरे साथ हैं माँ। जीवन का कंटका किरण पथ हो अथवा दुखों की तीक्ष्ण धूप हो, आपके आंचल के मृदु शीतल छाया का एहसास मुझे ठंडक देता रहता है माँ। हर अंधकार में मेरे लिए आप आलोक हैं माँ। सत्यनिष्ठा व स्पष्टवादिता का सुंदर गुण आप ही से विरासत में मिला है मुझे। आपके जाने के मात्र 4.5 माह पश्चात पापा भी आपकी याद में आकुल अकेला हमें छोड़ गए माँ। हम अनाथ हो गए माँ। मैं आपको प्राणों से भी प्रिय कहती थी किंतु मैं क्या कर सकी। मेरे हाथों में ही आपने अंतिम सांस ली, आप और मैं आपको रोक न सके। क्षमा करना माँ, मुझे क्षमा करना माँ। आप मनुष्य रूप में शांति, ममत्व और निस्वार्थ स्नेह जैसे आदर्शों की स्वामिनी थी, एक देवी थी माँ। आपके साधु स्वभाव ने हमें कभी आपकी पसंद और नापसंद का एहसास होने ही नहीं दिया। आपके लिए हम सभी की इच्छा पूर्ति ही सर्वोपरि थी। सीमित साधनों से आवश्यकता की पूर्ति करना आपसे सीखा है माँ। आपका आत्मबल अद्वितीय था। हम 7 भाई-बहनों को आपने अद्भुत व प्रभावशाली ढंग से पालित पोषित किया और संस्कारित किया, यह अपने आप में एक अद्भुत था माँ। आपके शुभ आशीर्वाद से अब मैं माँ का और विगत कुछ वर्षों से नानी माँ के महती दायित्व का भी निर्वहन कर रही हूँ माँ। दैनंदिन जीवन के रिश्तों में की नैया को दैनंदिन जीवन के रिश्तों की नैया को के झंझावतों को जब हिचकोले आते हैं तो उसको झेलते समय आपकी शिक्षाएं मेरी पथ प्रदर्शक होती हैं माँ। आपने मेरे व्यक्तित्व और चरित्र में जो आदर्श रूपी बीज संचरित किए थे वो आगामी पीढ़ियों में भी स्वतः ही प्रवाहित हो रहे हैं। काश यह सब देखने के लिए आप होती। आपकी विलक्षण कार्य क्षमता बुजुर्गों और अतिथियों को बहुत प्रसन्न रखती थी माँ। आपकी सरलता के कारण दादी जी आपको हमेशा गाय कहकर बुलाती थी, यह हम आज भी नहीं भूले माँ। आपकी विलक्षण प्रतिभा जिसके बलबूते पे आज हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपने अपने स्थान पर अपने पैरों पर खड़े हैं, यह आपका ही शुभ आशीर्वाद है माँ। पापा की हर इच्छा आपके लिए सर्वोपरि थी। हमने कभी आप दोनों के मध्य विवाद नहीं देखा माँ। कितना सब्र था आप में। मैं इस सृष्टि की सर्वाधिक सौभाग्यशाली जीव हूँ। मैं आप जैसी महान पुनीत हृदय देवी के गर्भ से जन्मी हूँ मैं। मुझे पुनर्जन्म दें तो आपकी पावन कोख से दें, अन्यथा निज चरणों में स्थान दें, यही मेरी अभिलाषा है माँ। प्यारी माँ, जीवन के किसी भी पल आपके प्रति मुझसे मात्र तिल भर भी त्रुटि हुई हो तो मैं अपनी प्यारी माँ से कोटि कोटि क्षमा प्रार्थी हूँ माँ। आपका प्रतिपल
आपका प्रतिपल स्नेह है करता मेरा रोम रोम, आप आपकी अपनी प्यारी माँ से पुनर्मिलन की प्रतीक्षा में आपकी लाडली अंजना। उम्मीद है आपको पत्र पसंद आया होगा। मैं आपको सहेली के नाम पाती सुनाने जा रही हूँ। इस प्रतियोगिता में भी मैंने भाग लिया था। ये मेरी बचपन की सहेली है जो कॉलेज तक में मेरे साथ थी और उसके बाद में शादी के बाद हम बिछुड़ गए। वो मध्य प्रदेश में रह गई और मैं राजस्थान आ गई। तो सुनिएगा। प्रिय सहेली उषा, स्नेह सिक्स नमस्ते। आज बरसों बाद बड़नगर से आई मेरी चाची जी से मैंने तेरा पता पूछा। उन्होंने बताया कि तू तो उन्हीं के आसपास रहती है। पगली, तुझे कभी मेरी याद नहीं आई क्या? आज तो तुझे अवश्य हिचकी आ रही होगी। यह बात तू पत्र के उत्तर में जरूर भेजना। मेरी बहन, क्या दिन थे वो भी। रोजाना विद्यालय के फ्री पीरियड में अमरूदों के बाग में हम सब सहेलियां घुस जाते थे और तू और मैं हेड हुआ करते थे। फिर पसंदीदा अमरूद लाकर घर से लाए हुए नमक मिर्च को लगाकर स्वाद लेते थे। जरबेरी के बेर झाड़ना और साथ साथ टिफिन खाना, वो दिन भी कुछ अलग थे। अब वो मौसम वापस कहाँ। हम दोनों के माता पिता कहा करते थे, पिछले जन्म का कोई रिश्ता है इन दोनों का आपस में। कॉलेज में भी हम ट्विन सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध थे ही, ये तो तू जानती है। पहली मुलाकात याद आती है मुझे तेरी कभी कभी, जब मैं नई आई थी और परीक्षा में मेरे प्रथम स्थान आने पर तूने मेरी डेस्क पे सबके सामने मुझे धमकी भरा चैलेंज पत्र के द्वारा दिया था कि अब की बार प्रथम रैंक लाई तो मारूंगी। परंतु हुआ यह कि मैं सदा प्रथम और तू सदा द्वितीय रैंक लाते रहे। फिर भी पता नहीं कैसे अपनी दोस्ती प्रगाढ़ होती चली गई। तू तो मुझसे दूर रहकर भी कभी दूर नहीं रही बहना, आज भी तू मुझे बहुत याद आती है। जब स्कूटी से मेरा भयानक एक्सीडेंट हुआ तब मैं तो अचेत थी, और याद है तुझे मैं केवल उषा 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 ऐसे बोल रही थी, पुकार के बार बार अचेत हो जाती थी। ऐसा बाद में सबने बताया। बाद में जब मेरी स्मृति चली गई थी तब भी सबसे पहला इंसान वही था जो मुझे याद आया पहली बार, वो तो तू ही थी मेरी प्यारी सखी। मेरी रगों में तेरा लहू दौड़ रहा है, ये तुझे पता है। मुझे ये बात भी बहुत बाद में पता चली कि तेरा और मेरा ब्लड ग्रुप भी एक ही है, बी पॉजिटिव। और मेरे एक्सीडेंट के समय तूने ही मुझे खून दिया था। छोटे शहर में ब्लड बैंक भी नहीं था उन दिनों। तू तो मुझे पुनर्देने वाली है, पुनर्जन्म देने वाली है मित्र। मेरे विवाह उपरांत कुछ दिनों तक तो हमारा पत्र व्यवहार चलता रहा, परंतु तेरे विवाह के बाद यह श्रृंखला टूट गई। फिर मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि तेरे पति का स्थानांतरण अन्यत्र हो गया है और हमारा संपर्क बहुत प्रयत्नों के उपरांत भी नहीं हो सका। आज तेरा नाम सुनते ही मेरा दिल खुशी से बल्लियों उछलने लगा। यह पक्की बात है कि मेरा पत्र हाथ में पाकर तू भी खुशी से बावली हो उठेगी। प्यारी सखी, तेरी बचपन की इस सहेली की यह करबद्ध प्रार्थना है कि आज से पुनः प्रारंभ वाला चिट्ठी लिखने का यह प्यारा सिलसिला चालू हो जाए और कभी नहीं टूटे। सखी, हम फोन या सोशल मीडिया पर कितनी ही बातें ऑनलाइन होकर कर लें, लेकिन जो तेरे हाथ प्यारे प्यारे हाथों से लिखे शब्दों में महसूस होती है ना खुशी, वह खुशबू और वह खुशी इन भावहीन नव तकनीकी मशीनों में कहाँ। पूजनीय सासू जी को मेरा सादर चरण स्पर्श बोलना। अच्छा सुन,
हमारे जीजाजी साहब के क्या हालचाल हैं? वो तो सिर्फ शादी में ही मिले थे। मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, अभी तक नन्हे मुन्नों का जिक्र ही नहीं किया। उन्हें मेरा स्नेहिल आशीष देना, जीजा जी को मेरा प्रणाम। और अब पत्रों का तारतम्य सदा रहेगा, यह तो विश्वास है मुझे। तेरे हाथों की सुरभियुक्त स्नेह सिक्त पाती की प्रतीक्षा में व्याकुल हूँ मैं, तेरी बहना रंजना। अब मैं आपको एक पत्र ऐसा सुनाना चाहती हूँ जो कि मेरी प्रिय सहेली कल्पना जी के यहाँ कुछ ऐसा हुआ था कार्यक्रम, जिसमें मैंने लिखा था बेनाम रिश्ते के नाम एक पत्र, तो वो सुनाना चाहती हूँ आपको। एक पत्र, जब से होश संभाला तभी से तुझे तुझसे ठीक से पहचान हुई, जब से होश संभाला तभी से तुझसे ठीक से पहचान हुई, और समझ में आने लगा कि तेरा आशीष तो मुझ पर जन्म जन्मांतर से है। मेरे कंठ में मेरी जीवा पर, मेरे कंठ में मेरी जीवा पर, मेरे स्वर में मेरे शब्दों में, मेरे सुरों में मेरी धुनों में, मेरे सुरों में मेरी धुनों में, मेरे राग में और एक एक अक्षर पर तेरे आशीष की अमिट और अद्भुत छाप है। तू तो मुझे हर दम हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ देती रहती है। तेरे दिए गए उपहार मुझे प्रतिपल यह एहसास कराते हैं कि तू मेरी रग रग में एक एक शब्दोच्चारण में भी समाहित है। यह अलौकिक ईश्वरीय अनुभूति मुझे बहुत आनंदित किए रहती है। तेरा मेरा यह बेनाम रिश्ता ऐसा है, इसके अंदर हम दोनों के मध्य हवा को भी स्थान नहीं है। तू मेरा हृदय है, मेरा प्राण है, मेरी सखा है, मेरी माँ है और है मेरी पथ प्रदर्शक। तू मेरी देवी है, मेरा भगवान है, तू माँ शारदे। तेरे संग मैं भावों के उन असंख्य प्यार भरे रिश्तों की अदृश्य मधुर डोर से आबद्ध हूँ, जो स्पर्श दर्श और नाम की संज्ञाओं से परे है। तुझे एक नाम में कैसे बांधूं और क्यों बांधूं? मेरी लेखनी, मेरी कलम जो तूने मेरे हाथ में थमा दी है ना माँ, उसे मैं अपनी अंतिम सांस तक थामे रहना चाहती हूँ माँ शारदे। मुझे आशीर्वाद दे कि तेरे द्वारा हाथों में थमाई गई इस कलम को कभी असत नहीं छुए, यह कभी किसी को पीड़ा नहीं दे, कभी किसी को चोट चुभन नहीं दे, सतत सत मार्ग पर सत सृजन करती रहे मेरी लेखनी। तेरे आशीष रूपी यह लेखनी तेरे स्नेह की मसी से, तेरी आशीष रूपी यह लेखनी तेरे स्नेह की मसी से सदा समाज को उत्तम कृतियां दे, उत्तम सजन दे, ऐसा वरदहस्त मेरे शीश पर सदैव रखना माँ, मेरी स्नेहिल, मेरी परम प्रिय देवी माँ शारदे। सदैव इसी अनुकंपा की भिक्षुका हूँ मैं तेरी अनन्य भक्त तनया रंजना। तो पत्रों की महिमा ऐसी है कि इसके बारे में तो बोलते ही रहिए। मुझे भी आज सब कह रहे थे घर में कि आपके पास तो पत्रों के मामले में तो आप बहुत धनी हो, और आपके पास तो क्या घंटा भर भी बोलने को कोई कहेगा तो आप बोल सकती हो। मैंने कहा हाँ वो तो सही है। मेरे पिताजी पत्र लेखन में माहिर थे, उनके हस्तलिपि बहुत खूबसूरत थी, उनके पत्र मैंने संजो कर रखे हैं और आज मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहती थी, पर वो इत्तेफाक ऐसा रहा कि मेरे समय नहीं मिल पाया। उनकी हैंडराइटिंग ऐसी थी जैसे कि मोतियों को सजाकर क्रमवार रख दिया गया है। और उनकी खासियत ये भी थी कि हम जो भी पत्र में उत्सुकता या कुछ उत्कंठा या कुछ
क्वेश्चन उनसे करते थे तो वो उसका रिप्लाई इतना व्यवस्थित देते थे बिंदुवार कि कोई भी पॉइंट आपका, कोई भी बिंदु आपका ऐसा नहीं छूटता था जिसका जवाब वो नहीं देते हों। इसके अलावा एक सिस्टम होता था पहले कि हैंगर सा बनाया जाता था लोहे के वायर का, उसके अंदर पापा एक 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 पत्र को संजोते थे, उसको छेद में पिरो के नीचे उतारते जाते थे और जिस पत्र का जवाब देते थे उस पत्र के अंदर ही उसको अंकित करते थे कि इस पत्र का जवाब इस तारीख को दे दिया गया। इतना अच्छा लिखते थे और उनकी वाकई में हस्तलिपि और उनका जो भी लेखन शैली थी वो पढ़ने लायक थी। तो मैं तो मेरे पापा से बहुत प्रभावित थी और इसी कारण मैं भी पत्र लिखने में कुछ माहिर मानी जाती थी। बहुत ज़्यादा लिखती थी मैं पत्र, और छोटे मोटे नहीं अच्छे बड़े पत्र लिखती थी मैं। और अभी भी ऐसा महसूस होता है कि काश मौका मिल जाए कि मैं तो भेजती रहूँ और अगला सामने वाला रिप्लाई नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पत्र भेजूँ और मुझे, मैं आज जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो सुन रहे हैं मुझे, मैं उनसे यही गुजारिश करती हूँ कि पत्र लेखन की परंपरा को पुनर्जीवित रखें और इसको बनाए रखें। ये हमारे लिए एक धरोहर है, इसको हमें ख़त्म नहीं करना है, इसको पुनः जागृत करके, जागृत तो सर ने कर ही दिया है, नेगी सर इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैम मीना जी और सर दोनों बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इस चीज़ को दोबारा उजागर करके हमारी दबी हुई इच्छा को जागृत करके हमें संबल प्रदान किया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पत्र तो वाकई में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसके हृदय की सारी भावनाओं को सामने लाके हम पत्र पढ़ते थे तो हमें उस इंसान का चेहरा नज़र आने लग जाता था। हमें ऐसा लगता था कि हम साक्षात उन्हीं से बातें कर रहे हैं, और कुछ भावुकता होती थी तो तुरंत आंसू भी आने लगते थे। वही रिएक्शन, वही सारे, वही हो जाते थे चालू। तो मेरे ससुराल वाले कहते थे कि इसको तो भाई अकेले में पढ़ने दो पत्र, ये भी पापा का पत्र आया है, पढ़ के रोई जरूर। और होता भी यही था। पत्रों का महत्व तो पहले भी था और आज भी है, और हम सब मिलकर इस परंपरा को सर की प्रेरणा से बनाए रखेंगे और आगे ऐसा अभियान रखेंगे कि पाठ्यक्रम में भी, सुनने में आ रहा है कि पाठ्यक्रम में भी बच्चों के इसमें जो खुशी है वह मीडिया के संदेशों में नहीं, यह मैं कहना चाहती हूँ। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, नेगी सर, मीना जी, देवेंद्र जोशी सर और अशोक सक्सेना जी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ आने का सौभाग्य दिया। नमस्कार, धन्यवाद सर।